Hello students, in today's video we are going to cover three topics. First, colligative properties of solution. Second, vapor pressure of solution. And third, relative lowering of vapor pressure, that is Rod's law. So let's start from first topic, that is colligative properties. So colligative properties samajhne se pehle ek bar hum solutions ko dekh lete hain. We all know that solutions are homogeneous mixture of solute and solvent. अब sometimes ऐसा होता है कि solutions की कुछ ऐसी properties होती हैं जो solutions बनने से पहले जो pure solvent है उससे different होती है. So ऐसी properties को हम colligative properties में study करने वाले. Basically हम four properties study करेंगे. First is vapor pressure, second is boiling point, third is freezing point and fourth one is osmotic pressure. अब ये colligative properties actually है क्या? Colligative जो word है एक Latin word से derived है, that means binding. ये properties solute particles के binding पे depend करता है. Actually किसी भी solution की colligative property depend करती है कि उस solution में कितने number of particles present है. It doesn't depend on the nature of particles. यानी solute के nature पे ये property बिल्कुल depend नहीं करती है. It only depends on the number of particles कि उस solution में उस solvent के अंदर कितने solute के particles available हैं. These particles can be molecules or ions. So solution की colligative property number of particles पे depend करती है. अब ये properties कौन कौन सी हैं? तो there are four properties. First one is change in vapor pressure. जो प्योर सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है दैट इज डिफरेंट. सो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टडी करनी है दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर. सेकंड प्रॉपर्टी इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जनरली वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है. सो हम लोग क्वालिटी प्रॉपर्टी में इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड प्रॉपर्टी इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है विच इज ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी समझने से पहले हमें ये जो टर्म है वेपर प्रेशर समझना है. सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? जनरली लोग डिफाइन करेंगे द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ वेपर इज वेपर प्रेशर. बट वेपर प्रेशर कहाँ एग्जर्ट होता है? तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये एक कंटेनर है. नाउ इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है. सपोज दिस लिक्विड इज लिक्विड ए. अब इस लिक्विड ए के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में हैं. लेकिन अगर इन्हें नीचे से हीट मिलेगी तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ दिस पार्टिकल्स विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दिस लिक्विड. अब जब ये पार्टिकल लिक्विड में से एस्केप हो जाएंगे तब ये पार्टिकल्स बन जाएंगे वेपर, ये गैस बन जाएंगे. अगर ये कंटेनर ओपन है तो ये गैस एस्केप हो जाएगा, ये गैस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. एट दैट केस कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा. लेकिन अगर हमने कंटेनर क्लोज कर दिया दैट मीन्स इट इज अ क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम आपने थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ा है, जहां से मैटर बाहर एग्जिट नहीं कर सकता. सो यहां पे ये सिस्टम हमारा क्लोज है. अब ये जो गैस के पार्टिकल्स जो हैं ए के, ये बाहर एस्केप नहीं कर पाएंगे. सो ये क्या करेंगे? ये वापस से लिक्विड के सरफेस पे आके टकराएंगे. और जब ये टकराएंगे एट दैट टाइम दीज कोलिशंस क्रिएट अ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. दैट प्रेशर इज एक्चुअली वेपर प्रेशर. सो वेपर प्रेशर आप समझे, वेपर प्रेशर कब होता है? जब आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, एक क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर एक लिक्विड है और वो लिक्विड आपने
उस लिक्विड पे हीट सप्लाई किया, जिसके कारण से लिक्विड के पार्टिकल्स एस्केप हो गए अपने सरफेस से और वो वेपर बन गए। क्योंकि वेपर बाहर एस्केप नहीं कर पाए सिस्टम से, सो वो वापस से आके लिक्विड के सरफेस पे टकराते हैं और उन कोलिजन से जो प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ओके, अब इसके अंदर एक और सिस्टम क्रिएट हो सकता है जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, तो उसको समझने के लिए इसी एग्जांपल को आगे फर्दर स्टडी करते हैं। सपोज जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे जो कि ए था और वो लिक्विड फॉर्म में है। नाउ ड्यू टू वेपराइजेशन ये पार्टिकल्स ए लिक्विड से ए गैसियस फॉर्म में चला गया, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम जब लिक्विड के वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सो ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराना भी स्टार्ट करेंगे एंड ड्यू टू दीज इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फाइनली ये पार्टिकल्स वापस से लिक्विड में मर्ज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सो आपने क्या देखा कि इनिशियली जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, तो जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हुए। इस गैस के पार्टिकल्स के सरफेस पे टकराने से वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन गैस के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, देन आफ्टर दैट ये पार्टिकल्स लिक्विड में अगेन मर्ज हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सो इस तरह से हम देखने जाएं तो सिस्टम के अंदर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। अब इस कंडीशन में, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे, अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा तो उस वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। सो इनिशियली जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ था जब इनिशियल लेवल पे पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस से बाहर एस्केप हुए थे और वापस से लिक्विड के सरफेस पे टकरा रहे थे, दैट इज नॉर्मल वेपर प्रेशर। लेकिन आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जब वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से, सेम रेट से चलने लगे, एट दैट टाइम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज क्रिएट हुआ और उस समय जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ओके, तो वेपर प्रेशर आपको क्लियर हो गया। नाउ वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो यार देर आर थ्री फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जानते हैं कि कई सारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं विच आर वॉलेटाइल। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं पेट्रोल, पेट्रोल को अगर आप किसी क्लोज कंटेनर में ना रखें तो पेट्रोल जो है वो ईजिली इवापोरेट हो जाता है, उसके पार्टिकल्स एस्केप हो जाते हैं। वाई? बिकॉज इसके पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही लेस है। दैट मीन्स जिसके पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लो होंगे, दोज पार्टिकल्स कैन ईजली एस्केप फ्रॉम इट्स लिक्विड फॉर्म टू गैशियस फॉर्म, और जब वो गैशियस फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। सो वी कैन से दैट जिन सॉल्यूशंस की, जिन लिक्विड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस होंगी उनकी वेपर प्रेशर हाई होगा। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो आपने अभी अभी पढ़ा कि जिसके बढ़ाने से वेपर्स ज़्यादा क्रिएट हुए थे। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी लिक्विड को सप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण उनका थर्मल मोशन बढ़ेगा, जिसके कारण वो पार्टिकल्स ईजली अपने लिक्विड फॉर्म से अपने गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। एंड जो तीसरा फैक्टर जो मैंने बोला था दैट इज सरफेस एरिया, ये फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन इन जनरल ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वेपर प्रेशर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का अगर सरफेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स उस सरफेस से एस्केप कर पाएंगे। यानी सपोज एक एग्जाम्पल के लिए आपके पास
एक बीकर है, उसमें आपने एक लिक्विड को फिल करके रखा हुआ है। इस बीकर का जो माउथ है, इस बीकर का जो ओपनिंग है, या मान लीजिए ब्रॉड है, और उसके सामने एक आपने राउंड बॉटम फ्लास्क जो भी आता है कंटेनर आपका, जो आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपने एक लिक्विड फिल करके रखा है। आप बता सकते हैं कि ज़्यादा वेपराइजेशन प्रोसेस किस में दिखेगा? बीकर में, बिकॉज उस कंटेनर का जो माउथ है वो वाइड ओपन है, वहाँ पे सरफेस एरिया लिक्विड के लिए ज़्यादा अवेलेबल है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में से ज़्यादा पार्टिकल्स एस्केप कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेपर प्रेशर हम रॉल्ट्स का फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे। सो रॉल्ट्स ने हमें क्या स्टेटमेंट दिया? तो रॉल्ट्स ने बताया, इफ अ डाइल्यूट आइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, then the relative lowering of vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of dissolved solute। अब इस statement का meaning क्या है? ये कहना चाहते हैं कि एक ideal solution अगर हम prepare करें non-volatile solute and volatile solvent, तो इसमें सबसे पहले हम बता रहे थे ideal solution क्या है। आप लोगों ने ideal gases सुना था, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। ideal gases simply क्या, कौन से gases थे? जो gases आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सिमिलरली जो सॉल्यूशंस रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइडल सॉल्यूशन। नाउ ये जो आइडल सॉल्यूशन है, इसमें कंडीशन आपको मेंशन की है, दैट इज ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस हम स्टडी करने वाले हैं, दीज ऑल सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट सॉल्यूशन। रीजन कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करेंगे तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में इंट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, और हमें कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसिडर करना है। दैट्स वाई हमारे सारे सॉल्यूशंस डाइल्यूट होने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस रॉल्ट्स लॉ एंड वी विल डिस्कस द चेंज ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। एक्चुअली रॉल्ट्स लॉ के तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, विच मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सेकेंड केस इज लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, विच मीन्स वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। एंड थर्ड केस इज गैशियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, विच इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज non-volatile solute in a volatile solvent। So Rawlt's law का statement पहले हम देख लेते हैं। According to Rawlt's law, if a dilute ideal solution is prepared by dissolving non-volatile solute in a volatile solvent, then the relative lowering of vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of the dissolved solute। अब इस statement को हम explain करेंगे, लेकिन उससे पहले एक example हम देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके पास देखेंगे कि दो कंटेनर्स हैं। जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए सॉल्वेंट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ए से, तो जो यहाँ प्रेशर होगा ए का, दैट इज पी ए। अब यहाँ जो प्रेशर है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल जब सरफेस में से एस्केप हो जाएंगे तो उससे क्रिएट होगा। ये पार्टिकल जब वापस से सरफेस पर टकराएंगे तो जो प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। नाउ इसी सॉल्वेंट के अंदर सपोज हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। नाउ आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे जब आ जाएंगे तो इसके कारण से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनके एस्केप होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले अकेले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, दैट्स वाई वो ईजिली एस्केप हो रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होता है, इसलिए कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के सॉल्यूट के साथ इंट्रैक्ट करके एस्केप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरफेस को कवर कर देंगे। इस रीजन से अब लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स एस्केप कर पाएंगे। सॉल्यूट तो वैसे भी एस्केप नहीं करने वाले, बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, वो सॉलिड है, वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो वेपर प्रेशर क्रिएट कौन करने वाला है? अकेला वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो इनिशियली जब वो प्योर सॉल्वेंट था तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह से एस्केप कर पा रहे थे, उनके पार्टिकल्स पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। बट दिस टाइम जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के रीजन से कम एस्केप करेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। तो अगर सपोज यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होगा सॉल्यूशन का, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पी बी से, तो हमें से ये पता चलता है कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, दैट इज एक्चुअली
मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है. तो रॉल्ट्स ने इसी चीज़ को एक्सप्रेस किया और अपना स्टेटमेंट दिया. तो उनके हिसाब से स्टेटमेंट ये है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. दैट मीन्स अगर हम बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा. अब वाई मोल फ्रैक्शन? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग मोल्स या मोल फ्रैक्शन से यहाँ एक्सप्रेस करने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट होंगे उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा. सो बिफोर डूइंग द डेरिवेशन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. ड्यूरिंग दिस होल चैप्टर एक चीज़ आपको हमेशा फिक्स करनी है, वो ये है कि ड्यूरिंग द होल चैप्टर सॉल्वेंट के जो भी एक्सप्रेशंस होंगे, सॉल्वेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी टर्म्स यूज होंगे, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो मोल्स हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो मॉलिकुलर वेट हो, हर एक एक्सप्रेशन के साथ मैं टर्म यूज़ करूँगा वन. और जो सॉल्यूट के एक्सप्रेशंस होंगे, चाहे वो टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोलारिटी, मोल्स, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इन सब के साथ मैं यूज़ करूँगा टर्म टू. तो आप पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट को हम एक्सप्रेस करेंगे हमेशा वन से, एंड सॉल्यूट को एक्सप्रेस करेंगे हमेशा टू से. सो चलिए डेरिवेशन को देखते हैं. तो डेरिवेशन ऐसा है, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वॉलेटाइल सॉल्वेंट. तो सपोज हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इज पी वन. अब मैं वन क्यों एक्सप्रेस कर रहा हूँ? एक वन तो मैंने किसके लिए एक्सप्रेस किया था? सॉल्वेंट के लिए. लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट को अब मैं दो कंडीशंस में स्टडी करूँगा. दिस पी वन इज द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. दैट मीन्स ये वो सॉल्वेंट है जो सॉल्यूशन बना चुका है, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही है. एंड अगर मुझे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कंसिडर करना है तो इट इज डिनोटेड बाई पी जीरो वन. तो यहाँ पे पी जीरो वन जो एक्सप्रेस करेगा इट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, एंड पी वन जो एक्सप्रेस कर रहा है इट इज द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. एंड दिस एक्सप्रेशंस आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग द वेपर प्रेशर. तो चलिए डेरिवेशन वापस से स्टार्ट करते हैं. सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सो पी वन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वन. नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें रिमूव करना है, सो वी हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट. तो वी कैन राइट लाइक दिस, पी वन इक्वल्स टू के एक्स वन. नाउ दिस के इज एक्चुअली अ कॉन्स्टेंट. नाउ यहां पे हम कॉन्स्टेंट क्या यूज करने वाले? सो इन दिस इक्वेशन we are going to use this constant, that is P01. P01 kya tha? That is the vapor pressure of pure solvent. Aur ye jo vapor pressure hai, it is an experimental property. Iski value fix hai, ye constant hai. Ye already calculate ki gayi hai. Ye aapko question mein given hogi. So, the equation ko hum rewrite kar sakte hain. Tum kya likh sakte hain equation ko? We can write P1 is equal to P01 and X1. ये है रॉल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो कि स्टेटमेंट में हमें बोला था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके अंदर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन पे. अब क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट है, इसलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे. और यहाँ पे जो P01 है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है. नाउ इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं. नाउ P1 इज इक्वल टू P01 X1. अब P01 को मैं
यहाँ मूव करता हूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस, पी वन अपॉन पी ज़ीरो वन इज इक्वल टू एक्स वन। अब एक्स वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ एक दूसरा कंपोनेंट भी अवेलेबल होता है, दैट इज सॉल्यूट। सो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक्स वन जो है दिस वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्स टू जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो हम लोग यहाँ पे एक्स टू की जगह वन माइनस एक्स वन भी लिख सकते हैं। अब ये हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इसका भी हमें यूज़ करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि पी वन इज इक्वल टू पी ज़ीरो वन एक्स वन, नाउ पी वन अपॉन पी ज़ीरो वन इक्वल्स टू एक्स वन। नाउ अभी जो हमें इक्वेशन मिला पी वन अपॉन पी ज़ीरो वन इक्वल्स टू एक्स वन, नाउ इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम वन, हम इस पूरे इक्वेशन को वन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस पी वन अपॉन पी ज़ीरो वन इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स वन। और वन माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी, जो भी अभी हमने पढ़ा था, वन माइनस एक्स वन की जगह हम लिख सकते हैं एक्स टू। और इस इक्वेशन में अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, पी ज़ीरो वन माइनस पी वन अपॉन पी ज़ीरो वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है फाइनली, दिस इक्वेशन इज नोन एज आर एल वी पी, विच मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन मैं वापस से रिराइट करता हूँ। इक्वेशन इज पी ज़ीरो वन माइनस पी वन अपॉन पी ज़ीरो वन इज इक्वल टू एक्स टू। अब ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट जो है ये हमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसका मीनिंग क्या है, तो आपको पहले ये समझना है कि रिलेटिव लोअरिंग क्या है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि पी ज़ीरो वन माइनस पी वन इक्वल्स टू पी ज़ीरो वन एक्स टू। नाउ इस इक्वेशन को हम लोग सिंपली बोलते हैं एल वी पी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जबकि ऊपर वाले इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि नीचे वाले इक्वेशन में आप क्या कर रहे हैं, पी ज़ीरो वन में से पी वन को सेपरेट कर रहे हैं। पी ज़ीरो वन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि हमेशा ज़्यादा होता है, पी वन जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जो कि कम होता है, इन विच केस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। तो आप सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को जब सेपरेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है, सो इट इज़ नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जबकि इससे ऊपर वाले केस में क्या कर रहे हैं आप, पी ज़ीरो वन माइनस पी वन को आप पी ज़ीरो वन से डिवाइड कर रहे हैं, यानी आपका जितना लोअरिंग हो रहा है वेपर प्रेशर उसको आप किसके रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, इसीलिए इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, कई सारे क्वेश्चंस में एक्चुअली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो उसको पी ज़ीरो वन से डिवाइड किया जाता है ताकि आपको कंपैरिजन मिले, आपको रेशियो मिले कि जितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ उसको आप लोग इनिशियल प्रेशर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जबकि पी ज़ीरो वन माइनस पी वन अगर आप सिर्फ डायरेक्टली करेंगे तो आपको मिलेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो दिस इज रॉल्स फर्स्ट लॉ। अब इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ज़ीरो वन
माइनस पी वन अपॉन पी जीरो वन इक्वल्स टू, अब एक्स टू था तो एक्स टू मीन्स एन टू, एन वन प्लस एन टू। अब यहां पे टू मीन्स आप जानते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स या सॉल्यूट के मोल्स, तो यहां पे जो टू है दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे है सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन आप जब सॉल्यूट का लिख रहे हैं तो ऊपर आएंगे सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आएंगे टोटल मोल्स। बट इस इक्वेशन में एक बात ध्यान देना है कि हमने जब टॉपिक स्टडी किया तो हमने डिस्कस किया द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे ये सॉल्वेंट के मोल से काफ़ी कम होंगे। तो ऐसे केस में जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं नीचे टोटल सम्स के लिए, वहाँ पे हम लोग N2 को नेगलेक्ट करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत छोटी है कंपेयर टू N1। सो ये इक्वेशन वापस से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा। अब इसमें आप N2 और N1 की वैल्यूज को भी अगर आप पुट करें तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, नीचे W1 एंड ऊपर M1। यहाँ पे W2 मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M2 मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से आप अननोन सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस इक्वेशन को हम स्पेशली अननोन सॉलिड के मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज करेंगे और इसे हम ओसवाल्स डायनेमिक मेथड भी बुला सकते हैं, जहां पे हम लोग अननोन सॉलिड के मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करते हैं। नाउ रॉल्ट्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दिस लॉ इज अप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाई डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने ऑलरेडी बताया कि सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, सो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। सेकेंड इज दिस लॉ इज अप्लीकेबल टू आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सॉल्यूशंस हर कॉन्सेंट्रेशन पे हर टेम्परेचर पे रॉल्ट्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो करता है दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज आइडल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज दिस लॉ इज अप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन हुज हीट ऑफ डाइल्यूशन डज नॉट चेंज। यह हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। आप सब जानते हैं कि जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिक्स किया जाता है तो आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, सॉल्वेशन, हाइड्रेशन जैसी कई सारे प्रोसेस होती हैं, समटाइम न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है, द प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, लेकिन रॉल्ट्स लॉ ऐसे कंडीशंस पे अप्लाई नहीं हो सकता है। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उनके बीच में किसी तरह का इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जिसके कारण एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो। फोर्थ कंडीशन इज इट इज अप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन हुज टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इफ दे आर इन लिक्विड स्टेट। अब ये जो कंडीशन है ये सिर्फ लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट पे अप्लाई होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड था, तो सॉलिड सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा अगर वो सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन समटाइम अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रही है, जैसे सपोज लिक्विड ए है जिसका वॉल्यूम वी ए है, नाउ दिस लिक्विड इज बिहेविंग एज अ सॉल्यूट, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं लिक्विड बी में जिसका वॉल्यूम बी वी है और ये जो है ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर हम इनको मिलाएं जो फाइनल वॉल्यूम मिलेगा दैट फाइनल वॉल्यूम शुड इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। अब ये तो आप सोच रहे होंगे कि कभी भी दो लिक्विड को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा, जैसे एक लिक्विड का वॉल्यूम 10 ml है, दूसरे लिक्विड का 20 ml है, आपका फाइनल वॉल्यूम 30 आता है।
बट ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स उनके बीच में ऐसा इंट्रैक्शन भी हो सकता है जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। तो हमने क्या देखा कि डेल्टा एच जीरो होना चाहिए, डेल्टा वी जीरो होना चाहिए, सॉल्यूशन आइडल होना चाहिए और सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन जो है, दिस लॉ इज अप्लीकेबल टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक्विस सॉल्यूशन विच डू नॉट गो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी आप जानते हैं एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन दोनों ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। एसोसिएशन अगर आप बात करेंगे तो एसोसिएशन के अंदर पार्टिकल जो है सॉल्यूट के सॉल्वेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं, डिसोसिएशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसके कारण आइडल जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहती। और सॉल्यूशन अगर आइडल नहीं होगा तो सॉल्यूशन जो है वो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया रॉड्स का फर्स्ट लॉ, विच इज फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। इसमें हमने क्या देखा, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली उसके अंदर जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, या फिर किसी भी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। नाउ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप इस ग्राफ को एक बार देख लीजिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट का जो कंसिडर किया क्या था, वन किया था। अब इस ग्राफ में आप देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर को शो किया है, एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन को शो किया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब हम लोग इस साइड जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का वन है, दैट मीन्स अकेला सॉल्वेंट है। अब अगर सॉल्वेंट अकेला है और उसमें सॉल्यूट नहीं है तो एट दैट टाइम जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम पी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ग्राफ में अपोजिट साइड मूव करते हैं। अब जब अपोजिट साइड मूव करेंगे तो आप देखेंगे जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का वन से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का इंक्रीज हो रहा होगा। तो लेफ्ट साइड अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कम हो रहा है, तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो हमारा वेपर प्रेशर वो भी लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। और एट दिस पॉइंट जहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जीरो हो गया, यानी सॉल्वेंट अब उसमें है नहीं, यानी ओनली सॉल्यूट प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि क्योंकि हमारा जो ये वाला कंडीशन है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और नॉन वॉलेटाइल है तो वो कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, तो वेपर प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का वन है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट का वन हो जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट का जीरो है, एट दैट केस वेपर प्रेशर जीरो। और जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इसके कारण से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ रॉल्स लॉ इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।